मुरादाबाद जनपद के ग्राम पंचायत बड़वाड़ा खास विकास खंड मुंडा पार्टी के ग्राम प्रधान नफीस ने क्षेत्रीय भाजपा नेता दिनेश ठाकुर द्वारा अपने विरुद्ध की गई शिकायत की जांच आख्या तोड़ मरोड़ कर जिला मजिस्ट्रेट को पेश किए जाने का आरोप लगाया है। ग्राम प्रधान नफीस द्वारा इस संबंध में बुधवार को SSP से मुलाकात की गई और उनको लिखित रूप में अवगत कराया गया कि ग्राम प्रधान पर जो आरोप लगाए गए थे उसकी जांच क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा कराई गई और उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया कि ग्राम प्रधान रोशनी समूह की मौजूदगी में उपभोक्ताओं को राशन का वितरण किया गया है। ग्राम प्रधान पक्ष का कहना था कि लेखपाल द्वारा जो रिपोर्ट SDM को पेश की गई, SDM द्वारा उस रिपोर्ट को जिलाधिकारी के समक्ष तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। जिलाधिकारी से तमाम तथ्यों पर गंभीरतापूर्वक विचार किए जाने की मांग उठाई गई है। ग्राम प्रधान पुत्र मोहम्मद अजीम ने अभी तक न्यूज इंडिया के संवाददाता को बताया। मोहम्मद अजीम, अजीम जी आप कहाँ से आए? बरवारा खास। क्या शिकायत है? सर हमारी शिकायत ये है 31/7/2021 को दिनेश ठाकुर जी ने जिलाधिकारी महोदय को एक शिकायत दी थी कि बरवारा खास में ग्राम प्रधान के हर आंगनबाड़ी का जो स्टॉक आंगनबाड़ी का जो माल है वो रखा हुआ है। ग्राम प्रधान द्वारा उसे जो है कालाबाजारी करना चाहते थे। क्षेत्रीय लेखपाल अमित शर्मा जी द्वारा 31/8/2021 को जब जांच पाया गया तो गला था वो पूरा था। उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्र के पास गए, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के पास जाके आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने कहा हमने रिफाइंड और तेल का जो वितरण है अभी आंगनबाड़ी के अंदर सरकारी स्कूल पर वितरण किया है, उसके बाद हम इसका वितरण करेंगे, वो पूरा था। क्षेत्रीय लेखपाल ने जो अपनी रिपोर्ट SDM महोदय को दी थी वो रिपोर्ट कुछ और है। अब कल हमारे गांव में SDM महोदय द्वारा जो एप्लीकेशन दी गई थी वो जिलाधिकारी महोदय द्वारा DSO और जिला पुलिस के अधिकारी जो नामित की गई थी जांच के लिए वो जांच करने के लिए आए थे। जब जांच करने के लिए आए थे तो हमने प्रार्थना पत्र देखा, प्रार्थना पत्र में जो क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा रिपोर्ट भेजी गई थी SDM साहब को वो रिपोर्ट कुछ और थी, उस रिपोर्ट में कुछ और था। उस रिपोर्ट में बड़ा चढ़ाकर DM साहब के द्वारा वो प्रस्तुत की गई, उसमें बहुत कुछ गलत है। योगी आदित्यनाथ की सरकार में, योगी आदित्यनाथ जो सरकार मुख्यमंत्री हैं उनकी सरकार में एक अपने आप को क्षेत्रीय किसान मोर्चा महामंत्री बताते हैं दिनेश ठाकुर जो कि वसूली करना चाहते थे 6-7 दिन पहले 31/8/2021 से 6-7 दिन पहले भी उन्होंने फ़ोन पे एक हमें चेतावनी दी कि पहले तुम मुझे मेरी बाल पेंटिंग कराओगे, मेरी उसका जो मेरा खर्चा होगा उसमें विज्ञापन में सब करोगे, तो हमने इस चीज़ के लिए मना कराया। तो फिर उन्होंने कहा कि जो राशन डीलर है विपिन कुमार उसके तुम कोई छेड़छाड़ ना करो, मेरी वॉल पेंटिंग छपवाता है, मेरे लिए प्रचार करता है। लेकिन जब हम नहीं माने तो उन्होंने फोन पे एक शिकायत करी जो कि बिल्कुल गलत तो निराधार थी। तो इसमें ये हमें राजनीतिक दबाव में इन्होंने एक थाना मुंडा पाने में ऐसे अक्रम मुकदमे पंजीकृत कराया है, उसके बाद लगातार झूठ बोला जा रहा है, उसमें हमें फंसाने की कोशिश की जा रही है। आज आप DM साहब से मिले? हम DM साहब से आए हैं कि जो क्षेत्रीय लेखपाल की जो रिपोर्ट थी उसमें क्यों बदलाव किया गया, जो रिपोर्ट थी उसी वही रहनी चाहिए थी। वो बदलाव हमें षड्यंत्र तरीके से फंसाने के लिए कहा गया जो हमने बात नहीं मानी थी दिनेश ठाकुर द्वारा। रिपोर्ट जो दी है DM साहब को वो किसने दी है? रिपोर्ट जो दी थी उसने दिनेश ठाकुर द्वारा दी गई थी फोन नंबर से।